बच्चों वेलकम इन गरत एकेडमी। फिर एक बार आज हम देखेंगे 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 2। उसका नाम है रियल नंबर। और उस चैप्टर में रियल नंबर इस लेसन में आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4 को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ये पहला एग्जांपल प्रैक्टिस सेट का लिख के रखा है, हमें मल्टीप्लाइड करना है। तो किस तरह से मल्टीप्लाइड करेंगे ये हमें समझ लेना है। तो देखो, पहले इस ब्रैकेट के बाहर √3, तो इस √3 को पहले इस नंबर को मल्टीप्लाइड करो। तो देखो यहां पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, √3 इंटू, पहले इसको मल्टीप्लाइड करो √7। अब कौन सा साइन है माइनस, वो लिख के ले लो। अभी देखो उसी √3 से इसको मल्टीप्लाइड करो √3 को, √3 इंटू √3। तो पहले √3 से √7 को मल्टीप्लाइड किया, फिर √3 से √3 को मल्टीप्लाइड किया। तो अभी रूट में दोनों ही है, तो लिखो 3 × 7, 3 भी रूट में है, 7 भी रूट में। अब भी माइनस साइन लिखो, √3 × √3 क्या आंसर आता है, 3। चलो 7 × 3 = 21 −3। अभी क्या करते, −3 को आगे लेते थे, ये साइन से आगे आएगा −3, तो उसके बाद इस साइन नहीं है इसको कोई भी, तो वो साइन है प्लस और फिर √21। देयरफॉर ये पूरा का पूरा हमारा आंसर है। बहुत सिंपल तरीके से हम आंसर को बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। बहुत बड़ा लगता है लेकिन डरना नहीं, सिंपल तरीके से देखेंगे। तो चलो पहले हम क्या करते, इस नंबर से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड करेंगे। कौन सी नंबर है यहाँ पे, 3 √2। इस नंबर से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड करेंगे, 4 √3 −√2, ब्रैकेट कंप्लीट। अभी ये नंबर होने के बाद देखो, अभी ये नंबर बचे, इस नंबर से भी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड करेंगे। तो अभी इस नंबर से करने के बाद ये नंबर है, देखो इससे हमने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड किया। अभी इस नंबर से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड करो, लेकिन साइन लिखो उसकी, क्या साइन है, −√3। अभी इससे भी इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड करो, 4 √3 −√2। चलो अभी बच्चों देखो क्या करना है, पहले तो इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाइड करो। चलो अभी क्या होगा, 3 × 4। अभी ब्रैकेट में कौन है, देखो रूट में कौन है, 2 है, और यहां पे कौन है, 3, ये लिख के लेना है। चलो फिर आगे जाएंगे, अभी हम क्या करेंगे, इस 3 √2 से इस नंबर को मल्टीप्लाइड किया, अभी उसी से इस नंबर को भी मल्टीप्लाइड करेंगे। तो देखो फिर एक बार बीच में कौन सा साइन है, अभी माइनस, अभी 3 से इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 √2। अभी देखो √2 × √2। चलो फिर अभी हम आगे जाएंगे, अभी उसी तरह से हम इस √3 से पहले इस नंबर को मल्टीप्लाइड करेंगे। तो क्या है, √3 × 4 √3। आप क्या करना है, फिर उसी √3 से इस नंबर को भी मल्टीप्लाइड करो। ये देखो माइनस माइनस, यहां पे प्लस होगा, ये ध्यान में रखो। अभी √3 × √2 √2। चलो देखो ये बहुत बड़ा हो गया लेकिन डरना नहीं, पहले इस 3 √2 से इसको मल्टीप्लाइड किया, 3 × 4 √2 × ये √2 में है, ये भी रूट में, तो 2 × 3 √√ में लिखा। अभी देखो उसके बाद माइनस साइन लिखा। चलो अभी 3 √2 से इस नंबर को मल्टीप्लाइड करो, 3 √2 लिखा √2। चलो आगे जाएंगे, अब अभी इस माइनस साइन को लिखा, इस √3 से इस नंबर को मल्टीप्लाइड करो, √3 × 4 √3। अभी उसी नंबर से इस नंबर को भी करो, लेकिन माइनस माइनस प्लस होंगे, √3 × √2। तो चलो 3 × 2 = 12। अभी ये देखो 2 × 3 = 6 −3। √2 × √2 कितने बनेंगे बच्चों, 2 होंगे, इसका आंसर √2 × √2 = 2 बनेगा आंसर। माइनस ये देखो √3 × √3 √3 × √3 = 3 बनेंगे, इंटू क्या है इसमें, 4। फिर कौन सा साइन है, प्लस √3 और √2, ये तो रूट में दोनों ही लिखो।
चलो फिर अभी 12 रूट सिक्स माइनस 2 इंटू 3 सिक्स माइनस 3 इंटू 4 12 प्लस 3 इंटू 2 रूट सिक्स। अभी देखो यहाँ पे रूट सिक्स है, यहाँ पे रूट सिक्स है, मतलब एक ही बार लिखो रूट सिक्स। अभी इस रूट सिक्स को कोई भी कुछ कोई भी शन्य मतलब कितना होगा 1, और ये 12 है तो 12 प्लस 1 बनाना पड़ेगा। 12 प्लस 1, अभी ये देखो कौन से बचे, चलो 1 प्लस 12 कितने हो गए, डायरेक्टली लिखेंगे हम 13। अब देखो ये बचे सिर्फ माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 6 18, बड़ी नंबर कौन सी है बच्चों, यहाँ पे माइनस, तो माइनस 18 और ये प्लस है, तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर बनेगा माइनस 18 प्लस 13 रूट सिक्स। देखो मैंने तो 3 रूट 2 से पहले इस नंबर को मल्टीप्लाइड किया, फिर उसी नंबर से इसको भी मल्टीप्लाइड किया, फिर रूट 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाइड किया, फिर रूट 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाइड, ये पूरा आ गया। तो देखो 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 3 6 माइनस 3 रूट 2 इंटू रूट 2 2, फिर माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3 इंटू 4 प्लस फिर यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 2, तो 12 रूट 6 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 4 12 प्लस 3 इंटू 2 6। तो चलो इसको तो कोई कोई पिशंट ही नहीं था रूट 6 को, तो उसको क्या होगा 1, तो मैंने 1 लिखा, 1 और 12 कितने हो गए 13, ये रूट 6 कॉमन है, एक ही बार लिखा माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 6 18, लेकिन बड़े 12 के नंबर माइनस 18 प्लस 13 रूट 6, ये पूरा का पूरा आंसर है। देखो बच्चों इस एग्जाम्पल को तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सिंपल तरीके से आपको आएगा। इस प्रैक्टिस सेट का अगला जो क्वेश्चन है वो है रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो ये एग्जांपल हमें देखे रखा है, पहले तो उस एग्जांपल को लिख के ले लो। तो देखो बच्चों यहाँ पे एग्जांपल कौन सा है, 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 2 बाय रैशनलाइजिंग डेनोमिनेटर, वो तो उन्होंने बताया बाय रैशनलाइजिंग डेनोमिनेटर। चलो तो डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब डेनोमिनेटर से न्यूमिनेटर और फिर डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड करना। तो फिर ये लिख के ले लो बच्चों, अभी ये तो गिवन में देखे था, इसको लिख के ले लो 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 2। अब हम रैशनलाइज करते हैं, मतलब इसको इंटू करो, और ये डेनोमिनेटर है ना उससे न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाइड करो रूट सेवन, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है हमें तो माइनस ले दिए। जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो अपोजिट साइड लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे साइन प्लस है तो हमें माइनस लेनी पड़ेगी, यहाँ पे प्लस होगी तो हमें माइनस लेनी पड़ेगी, यहाँ माइनस होगी तो हमें प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो हमने माइनस ली रूट सेवन प्लस माइनस रूट टू। फिर ये न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाइड करेंगे और डेनोमिनेटर से उसी नंबर से, तो आप आपके समझ में आएगा रैशनलाइज डेनोमिनेटर में, ये डेनोमिनेटर है और ये न्यूमिनेटर है, तो डेनोमिनेटर से रैशनलाइज करना मतलब न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाइड करा और डेनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाइड करना, लेकिन अपोजिट साइन से, ये प्लस साइन है तो या माइनस साइन। देखो रूट सेवन माइनस टू इंटू वन, आंसर क्या मिलेगा बच्चों, वन से जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो वही आंसर अपॉन, चलो रूट देखो पहले इनका मल्टीप्लाइड करेंगे रूट सेवन इंटू रूट सेवन, आपको भी मालूम है कितना आंसर होगा सेवन। अभी देखो प्लस माइनस माइनस, अब देखो रूट टू इंटू रूट टू, इसका आंसर भी आएगा सिंपल टू। ऊपर क्या बचेंगे रूट सेवन माइनस रूट टू, सेवन में से टू गए कितने बचेंगे फाइव, तो ये इसका पूरा का पूरा सिंपल तरीके से आंसर है। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हो। तो अभी हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, पहले तो मैंने आपको बताया है बच्चों एक एग्जाम्पल लिख के ले लो 4 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3, और इसको लिखो एक गिवन है। अभी हमें डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए उन्होंने बोला है, डेनोमिनेटर तो ये बाय रैशनलाइजिंग डेनोमिनेटर, तो डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है मतलब मल्टीप्लाइड करना है उसी को न्यूमिनेटर और फिर डेनोमिनेटर से, ये पूरी की पूरी लिख के ले लो 4 अपॉन
सेवन प्लस फोर रूट थ्री फिर इंटू कर दो। अभी ध्यान में देखो यहाँ पे प्लस साइन है, हम रैशनलाइज करते हैं मतलब अपोजिट साइड लेनी है, यहाँ पे प्लस है तो हमें माइनस लेनी पड़ेगी, तो इसको इससे मल्टीप्लाइड करो ऊपर न्यूमिरेटर से, सेवन माइनस फोर रूट थ्री, प्लस है तो हमने माइनस लिया, फिर डेनोमिनेटर को भी सेवन माइनस फोर रूट थ्री, डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाइड करते हैं मतलब न्यूमिरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाइड करो, फिर डेनोमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाइड करो, लेकिन साइन अपोजिट लेनी है, यहाँ पे प्लस है तो हमें माइनस लेनी पड़ेगी। चलो अभी फोर इंटू फोर से इसको मल्टीप्लाइड करो, सेवन माइनस फोर रूट थ्री। चलो चलो अभी यहाँ पे करेंगे सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन, चलो प्लस माइनस माइनस। अभी देखो फोर इंटू फोर सिक्सटीन, अभी बीच में कौन सी साइन है इंटू, अभी देखो ये बचे सिर्फ रूट थ्री इंटू रूट थ्री, आंसर आएगा थ्री। चलो अभी फोर इंटू सेवन ट्वेंटी एट, फिर माइनस फोर इंटू फोर सिक्सटीन, और बचे यहाँ पे रूट थ्री अपॉन फोर्टी नाइन माइनस सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, फिर लिखो अभी 28 माइनस सिक्सटीन रूट थ्री, 49 से 48 गए 1 बचेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आएगा, ये पूरा का पूरा आंसर है। कितना सिंपल है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इसको रैशनलाइज करते हैं तो आप प्लस साइन है तो माइनस ले लो, 4 से इसको मल्टीप्लाइड किया, फिर 7 इंटू सेवन फोर्टी नाइन, 4 इंटू फोर सिक्सटीन, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, देखो अभी 4 इंटू सेवन ट्वेंटी एट, 4 इंटू फोर सिक्सटीन, उसके बाद रूट थ्री, 49 माइनस सिक्सटीन इंटू थ्री 48, 49 से 48 गए 1 बचेंगे तो फाइनल आंसर हमारा वही आएगा। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ डरने की और करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो अभी हम इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमें लिख के लेना है जो एग्जांपल देके रखा है, रूट फाइव माइनस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव प्लस रूट थ्री, ये लिखो गिवेन। अभी हमें डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो लिखो बाय रैशनलाइजिंग डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे मतलब डेनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर को फिर मल्टीप्लाइड करना है, ये तो लिख के लेना बच्चों। अभी फाइव रूट थ्री अपॉन रूट फाइव प्लस रूट थ्री, अभी डेनोमिनेटर ये तो इससे रैशनलाइज करना है तो यहाँ पे प्लस साइन है तो इंटू करने से ये माइनस कर दो, रूट फाइव माइनस रूट थ्री अपॉन फिर एक बार रूट फाइव माइनस रूट थ्री। अभी ध्यान दे दो, ये देखो माइनस और माइनस साइन है मतलब दोनों में साइन सेम है तो इन दोनों को अभी ब्रैकेट में डालो, जब साइंस इक्वल होगी तो इनको ब्रैकेट में डालना है, दोनों को लिखा मैंने एक ही बार और उसको ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर करो, कब, जब उनकी साइन इक्वल होगी तो यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे रूट फाइव यहाँ पे रूट फाइव यहाँ पे रूट थ्री यहाँ पे रूट थ्री सब सेम है तो ब्रैकेट में डाला और स्क्वायर बना दिया। अभी देखो यहाँ पे तो साइन अलग है बच्चों, प्लस और माइनस है तो सीधी सीधी तरह से मल्टीप्लाइड करो, रूट फाइव इंटू रूट फाइव आंसर आएगा फाइव, प्लस माइनस माइनस, अभी देखो रूट थ्री इंटू रूट थ्री इसका आंसर आएगा थ्री। हमने सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है देखो, ये बनेगा ए रूट फाइव, तो ए बनेगा ए और ए बनेगा बी, मतलब क्या है, ये ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है तो ये ए होगा और ये बी अज्यूम करेंगे, मतलब ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो हमने पढ़ा था ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं, ए प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी हम माइनस देंगे, यहाँ पे भी माइनस होगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर,
और जब प्लस साइन होगी तो हमने बढ़ाया था ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस होंगी यहाँ पे माइनस है तो इसको हमने ए एज्यूम किया, इसको हमने बी एज्यूम किया, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टू ए बी। चलो तो अभी इसका इस्तेमाल करेंगे, तो पहले ए का स्क्वायर बनाओ, ए तो रूट फाइव उसका स्क्वायर बनाओ, अभी रूट फाइव स्क्वायर माइनस टू इंटू फिर ए, ए क्या है हमारे पास रूट फाइव इंटू बी, अभी हमारे पास बी क्या है रूट थ्री, वैल्यू को पुटअप करो सिर्फ प्लस फिर बी का स्क्वायर, बी तो मेरे पास रूट थ्री है उसका स्क्वायर बनाया, अपॉन फाइव में से थ्री गए टू बचेंगे, चलो फिर नीचे जाएंगे रूट फाइव का स्क्वायर तो फाइव आएगा माइनस टू इंटू, चलो ये दोनों ही रूट में है तो रूट में लिखो फाइव इंटू थ्री प्लस रूट थ्री का स्क्वायर तो थ्री आएगा अभी, चलो अपॉन टू। तो अभी देखो क्या करेंगे, फाइव और ये माइनस टू है तो चलो अभी हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, ये प्लस थ्री है और ये प्लस एट है तो चलो थ्री और फाइव कितने बनेंगे एट माइनस, चलो यहाँ पे माइनस कितने यहाँ पे टू, आप भी क्या बचेंगे यहाँ पे फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन अपॉन टू। यहां तक आ गए तो ऐसे नंबर को ढूंढो ये दोनों ही उस नंबर के टेबल में आएंगे, तो हम कॉमन निकालेंगे तो एट और टू किसके टेबल में आता है टू को, तो बाहर निकालो, अब भी एट आने के लिए टू से कौन सी नंबर को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा फोर, टू इंटू फोर एट माइनस, यहां तो ऑलरेडी टू हमने बाहर निकाले, यहां पे बचेंगे सिर्फ फिफ्टीन अपॉन टू, तो चलो ये टू जाएगा ये जाएगा, बचा सिर्फ फोर माइनस रूट फिफ्टीन, ये इसका पूरा का पूरा आंसर है। देखो इस एग्जाम्पल की भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मैथ आसान जाएगा। आगे भी हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।